सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान राम ने धनुष भंग करके विवाह किया। टूटत ही धनु भयो विवाहो, धनुष टूटा और विवाह हो गया। फिर भी बहुत ध्यान से सुनना, जनक महाराज ने विश्वामित्र जी को पूछा, बाबा विवाह तो लगभग लगभग हो ही गया, सीता जी भगवान को समर्पित तो हो गई, फिर भी आप आदेश करें मुझे क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छी बात यहां जनक जी को कही है, ध्यान देना, कि टूटत ही धनु भयो विवाहो, माना कि धनुष टूटा और विवाह हो गया, लेकिन तदपि जाहि तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। हे राजन, तुम्हारे कुल की जो रीति है, कुल की जो परंपराएं हैं, वंश की जो नियमावली है, तुम उसका पालन करो। ये बड़ी महत्व की बात हम सभी के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। हम कितने ही पढ़े लिखे हो जाएं, कितने ही पैसे वाले हो जाएं, समाज में कितने ही प्रतिष्ठित हो जाएं, लेकिन अपने कुल की परंपराओं को कभी छोड़ना नहीं चाहिए प्यारे, अपने कुल की परंपराओं का पालन करो। हमारी कुल की जो रीति है, हमारे खानदान की एक जो परंपरा है, उसको छोड़ो मत, मतलब अपनी निजता को छोड़ो मत, जो तुम्हारी मूल है उसको छोड़ो मत। जिन नदियों में मूल में जल नहीं होता ना, वो नदियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं प्यारे। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। उनमें कितना ही बारिश का जल आ जाए, एक समय तो ऐसा लगता है कि आह इससे बड़ी कोई नदी नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो सूख जाती। इसलिए हमारी जो मूल है, हमारी अपनी जो परंपरा है, पहचान है, उसको छोड़ मत दो प्यारे। अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों को पकड़े रहो। कितना ही मॉडर्न युग हो जाए हाँ, लेकिन अपनी परंपराओं को भूलो मत। और मैं स्पष्ट कहना चाहूं, जिस समाज में मेरी इस कथा को चैनल के माध्यम से जहां जहां से भी सुना जा रहा है, चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, किसी भी प्रांत में, मैं उन सबको प्रार्थना करूं, और बुंदेलखंड वालों को भी मेरी प्रार्थना है कि अपनी बुंदेलखंडी शैली छोड़ो मत, अपनी परंपराओं को पकड़ते हुए चलो। हमारी अपनी एक पहचान है हाँ, गुजरात की अपनी पहचान है, पंजाब की अपनी पहचान है, राजस्थान की अपनी पहचान है, बुंदेलखंड वालों की अपनी पहचान है हाँ। अपनी भाषा, अपना रहन सहन, अपनी व्यवहार कुशलता, एक दूसरे से बात करने का जो एक भाईचारे की बात है, इन परंपराओं को छोड़ो मत। आज मैं देखता हूं कि लोग पढ़े लिखे जब हो गए, थोड़े पैसे वाले हो गए, तो बड़े अकेले अकेले रहने लग जाते हैं, बड़े एकांत रहने लग जाते हैं, बड़े सलीके से रहने लग जाते हैं, किसी से बात करने में भी जरा वो अपने आप को तौहीन समझते हैं। नहीं प्यारे, अपनी परंपराओं को छोड़ो मत। भले ही यहां रहने वाला अमेरिका चला जाए, चांद पर पहुंच जाए, लेकिन अपनी परंपराओं को छोड़ो मत, एक जैसे रहो। तदपि जाहि तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, तुम्हारे वंश का जो व्यवहार है उसका पालन करो। ऋषियों ने जो जो नियम बनाए थे ना, वो कोई अफीम खाकर नियम नहीं बनाए थे, भांग के नशे में नहीं बना गए थे। सभी नियमों के पीछे वैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक रीजन है। इसलिए पहले तो पश्चिम के वैज्ञानिक भारत की बातों पर हंसते थे, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उनकी खोज आगे बढ़ रही है,
आज ऋषियों की बातों पर वो विचार करते हैं कि नहीं, इन बातों को तो भारतीय ऋषियों ने कितने वर्ष पूर्व कह दिया था। हर बात के पीछे भारत में मेरे भाई बहन कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है, चाहे नवरात्रि का व्रत हो, चाहे खड़ाऊं पहनने की बात हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, अथवा कोई भी परंपरा, कोई भी नियम, उसको छोड़ो मत, परंपराओं का पालन होना चाहिए। तो जनक महाराज ने, कल हम लोगों ने सुना कथा के माध्यम से, अयोध्या से बारात आई है और बारात में जब महाराज बारात लेकर चले तो बहुत सारे शगुन हुए उस वक्त। मैं यहाँ संक्षिप्त में आपको बताऊं क्या क्या शगुन हुए हैं महाराज के बारात के सामने। बारात चलते हुए सनमुखवायौ दधि अरुमीना, सनमुखवायौ दधि अरुमीना, करपुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, करपुस्तक दुई लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन सुरभि शिशु ही पियावा, सनमुख आयौ दधि अरुमीना, सनमुख आयौ दधि अरुमीना। जब बारात चली ना तो दही का दर्शन हुआ, मछली का दर्शन हुआ, वेद पाठी ब्राह्मणों का हाथ में वेद की पुस्तक लेकर रास्ते में आ रहे थे, अचानक उन ब्राह्मणों का दर्शन हुआ। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सिर पर जल भरा हुआ गढ़ा लेकर आगे आती दिखी, उनका दर्शन हुआ। नीलकंठ पक्षी का दर्शन हुआ और गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई खड़ी हुई वो दिखाई दी। ये सारे शगुन हैं प्यारे। जब हम घर से चलें अचानक गौ माता बछड़े को दुग्धपान कराती हुई मिल जाए, कोई सौभाग्यवती स्त्री अपने सिर पर जल भरा हुआ गढ़ा लेकर दिखाई पड़ जाए, तो ये सब शगुन होता है। समझ लेना कि अब तुम्हारा कार्य निश्चित पूर्ण होने वाला है, जो भी सोचकर तुम निकले हो निश्चित पूर्ण होगा। लेकिन इसके साथ में एक बात और कहना चाहूं, ये सब अचानक हो तो पहले से व्यवस्था न की गई हो, अचानक। कई जो जानकार लोग हैं ना वो सब पहले से व्यवस्था कर देते हैं, सुबह जाना होता है तो घरवाली को कह देते हैं सुबह जरा दही जमा देना सुबह के, क्यों बोले दही का दर्शन करके जाएंगे। और कहीं कहीं लोगों तो को तो मैंने देखा है कि अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटे जरा मुझे घर से बाहर निकलना है तो कोई गऊ कहीं मिले तो उसका उसको डंडे मारते जरा सामने लाओ, हद हो गई प्यारे। अपने शगुन के चक्कर में तुम गौ माता के ऊपर डंडे बरसाओ, ये कहां का शगुन हुआ, ये तो सबसे बड़ा अपशगुन होता है प्यारे। खुद के शगुन के लिए किसी जीव को परेशान करना, हाँ चलो एक क्षण के लिए हम ये न माने कि चलो गौ हमारी माता है, तो किसी जीव को परेशान करना ये कहां का शगुन हुआ। अचानक मिल जाए, अनायास मिल जाए तो अपनी शगुन की बात सोचते सोचते ये भूल न जाओ कि कहीं तुम किसी के लिए अपशकुन तो नहीं हो रहे हो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बिल्ली ने रास्ता काटा तुरंत गाड़ी रोक देते हैं, अथवा तो पैदल चल रहे हो और सामने से बिल्ली गुजर जाए, रुको 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 क्या हुआ, बोले बिल्ली गई। अरे कभी बिल्ली को किसी ने जाकर पूछा
कि कहीं तुम उसके लिए अपशकुन तो नहीं हो गए। हाँ, क्या पता बिल्लियों की दुनिया में भी ऐसा होता हो कि बिल्ली कहती हो कि यार कौन सा आदमी रास्ता काट गया, हमारा आज का दिन बेकार गया। तुम किसी के लिए अपशकुन न बनो। शगुन तो ठीक है, अपनी जगह, लेकिन अपने शगुन से पहले यह विचार जरूर करना। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।